युवा जो यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको मेरा आज आपको नमस्कार। जब गुणवंत जी ने मुझे बुलाया था और मुझे ये कहा, यहाँ पब्लिक रैली करते हैं आप लोग सब जानते हो, तो मेरे को उन्होंने ये कहा कि यही मैं इतने सारे लोगों को, इतने सारे बच्चों को इकट्ठा करना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके और उस पहाड़ तक खाली बच्चे ही बच्चे दिखाई देंगे, और वो वंदे मातरम कार्यक्रम के लिए मैं ये हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विसेज फेयर के द्वारा करना चाहता हूँ। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहाँ से लाओगे इतने सारे बच्चे, कैसे बिठाओगे, कैसे कार्यक्रम होगा। परंतु आज आपने हम सबको ये दिखा दिया कि जो युवा की शक्ति है वो वाकई में उसके सामने नमन करने का काम आज हम लोग मिलकर करेंगे। और यही युवा शक्ति वो है जो वंदे मातरम का उद्घोष करके हमारे देश और हमारे प्रदेश को सबसे दुनिया के अंदर ऊपर करने का काम करेंगे, करेंगे ना। वेल नोन कंट्री जो से भारत माता की, आज दुनिया के अंदर भारत का नाम लोग जोर जोर से ले रहे हैं, उस भारत का नाम ले रहे हैं जिसको हमने शास्त्र में पढ़ा था, जिसमें हमारी संस्कृति में हमको ध्यान है, परंतु जिसको दुनिया भूल गई थी। आज इस वंदे मातरम कार्यक्रम के द्वारा ही नहीं, हमारे देश जो जिस किस्म के कदम आगे ले रहा है उसको देख के पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो रही है। हमारे जमाने में ये स्थिति नहीं थी, आज आपके जमाने में ये स्थिति हो गई है। जब यहां से पढ़ लिख कर आप बाहर जाओगे तो वर्ल्ड विल बी योर ऑयस्टर। सो आई वांट टू थैंक यू ऑल, आज जो यहां पर बैठे हुए हैं, जो इस कार्यक्रम के आयु में है, उन सब ने यह तय कर लिया कि इस वंदे मातरम के सामने हम अपना सिर झुकाएंगे, हम अपनी भारत माता की तस्वीर के सामने उसके हाथ में जो जंजीर थे उसको हटाने का काम करेंगे, और सब लोग मिलके हमारे देश को ऐसी ऊंचाई पहुंचाएंगे जब हमारे वंदे मातरम का गान का उद्घोष होगा तो पूरी दुनिया उसकी तरफ देखेगी, अपना सिर झुकाएगी। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहती हूँ, दो और मैं आपको खुशी भी बताना चाहती हूँ, दस चीज पैसे वंदे मातरम के मानकर उनकी उपासना करती हूँ। मैं वृक्षों को, वनों को प्रतीक मानकर वृक्षों को उपासना करता हूँ। जोर से बोलो भाई, जो वृक्षों को, वनों को प्रतीक मानकर उनकी उपासना करता हूँ, उनकी उपासना करती हूँ। और मैं फीमेल जेंडर पर बोल रही हूँ, आज का जमाना थोड़ा बदल गया है, और इस बदले हुए जमाने के अंदर मैं सब मेरी छोटी छोटी बहनें और आने वाली छात्र वन्य जीवन का प्रतीक मानकर मैं गौ माता को, समस्त प्राणियों का, प्रतीक मानकर उसकी पूजा करती हूँ, मैं गंगा माता को, प्रकृति का प्रतीक मानकर, उसमें श्रद्धा रखती हूँ, मैं धरती माता को, पर्यावरण का प्रतीक मानकर पूछती हूँ, मैं अपने राष्ट्र निर्माता, शिक्षकों को, सीखने का प्रतीक मानकर, पूछती हूँ, मैं नारी को मातृत्व का, एवं माता पिता को,
मानव मूल्यों का, मानव मूल्यों का प्रतीक मानकर, प्रतीक मानकर। और मैं राष्ट्र नायकों को, राष्ट्र नायकों को भारत का प्रतीक मानकर, भारत का प्रतीक मानकर उनको सबको पूछती हूँ, उनको सबको पूछता हूँ। मेरे को कहा कि इतनी गर्मी में आप सबको दिखा रहे हैं कि अगर आप हाँ करते हो तो अल्बर्ट हॉल में 1,00,000 बच्चों को 500 सितार के साथ मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहता हूँ। मेरा चैलेंज है 1,00,000 बच्चों को कर सकते हो, 500 सितार को ला सकते हो तो अल्बर्ट हॉल आपका है और पूरा प्रदेश उसके ऊपर निगाह डाल के रखेगा। कहा अमित जी आप कमान, अमित जी बताओ मेरे को कि आप भाग गए। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन देना चाहता हूँ। आओ जुड़ो हमारे साथ इस राष्ट्रपति के साथ। बहुत बहुत